की गंगा को बहाया। जट समर्थन हर तबका में मेरा जन समर्थक है, हिंदू मुसलमान भाईचारा का जन समर्थन हम लोग का है। आपके द्वारा 5 साल आप मुखिया के रहते हैं, ऐसा कोई कार्य बताया जिससे जनता खुश हो और जनता सबसे पहले जनता खुश होने की बात है तो बड़गांव पंचायत में अगर जनता खुश होने की बात है तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य था कि जब हम लोग मुखिया बने तो जो मेयर था उस नौजवानों का जो रुपया लिया जाता है, उस जो रुपया हम लोग थाना को दबाव बना करके अपने पार्टी को दबाव बना करके नौजवानों का पासपोर्ट इंक्वायरी होता है तो 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। आपके क्षेत्र में जल जमाव की समस्या भीषण गंभीर है, उस पर क्या कहेंगे? जल जमाव की समस्या भीषण है, ये नगर पंचायत जो मैरवा की नगर पंचायत है उसके कारण है, मगर जल्द ही हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मैरवा में भी आंदोलन कर रहे हैं कि भाई मैरवा के हमारे विधायक और संसद तमाम लोगों से वार्ता हो रही है कि जल्द से जल्द मैरवा नगर पंचायत का जो पंचायत से मेरा सटा हुआ है, नगर पंचायत का पानी जो पंचायतों में जाता है उस पंचायत को नगर पंचायत से लेकर के झरही तक निर्माण बड़े नाला का निर्माण किया जाए कि पंचायतों का पानी हमारा निकासी हो जाए। सबसे पहले हमारे पंचायत का स्वास्थ्य शिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त इस लड़ाई होगी। ना होता क्या जनता से अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे, जनता अगर जब समर्थन देती है तो स्वास्थ्य के में और भ्रष्टाचार में जो होता है वो उसके बाद से ना जो जल समस्या है, जल समस्या की निकासी का काम हम लोग जरूर करेंगे। और जनता के जो तीसरी लहर आने वाली है कोरोना की, हम सरकार से आगाह करते हैं कि अगर हम लोग मुखिया जीतते हैं और अगर मुखिया जीतने के बाद तीसरी लहर आने के पहले अगर सरकार काम नहीं करती है तो हम बड़े आंदोलन में जाएंगे और जनता को रोड उतारेंगे, सरकार जल्द से जल्द उसके कान में आवाज जाए और जनता की तीसरी लहर से जो कोरोना की तीसरी लहर है उसको बचाया जा सके। जो बड़े दूसरी लहर में व्यापक हमारे दोस्तों का हमारे मित्रों का जो मौत हुआ है वो मौत न हो, इस का काम हम लोग करेंगे। पंचायत में आपके ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा हुआ और मैरवा प्रखंड में आवेदन भी दिया गया है। मैरवा प्रखंड में हमारे जरिए आवेदन दिया गया है, हमने खुद आप वीडियो से बात कर सकते हैं, सीओ साहब से बात, हमने जांच करवाया जो 20-21 का ना 21-22 का जो DPR हम लोग तैयार करते हैं उसको निकाल करके कुछ लोगों ने कुछ लंपटों ने सोशल मीडिया पर डाला था, जो हम लोग आवेदन दिए कि वीडियो से उस पर जांच किया जाए। अगर जांच में सही अगर नहीं आता है, अगर अफवाह फैलाया जाता है उस पर FIR किया जाए। देखिए महिलाओं के लिए बात करते हैं, हम लोग का शुरू से जिस समय हम लोग मुखिया नहीं थे, एक बार 2006 से लेकर के और 2011 तक हम पंचायत समिति सदस्य रहे हैं, हमारी पत्नी 2016 से और 2021 तक मुखिया रही है, मगर हम लोग का मांग है कि जो महिलाओं की जो मान सम्मान की बात जहां आती है, महिलाओं के इज्जत अबरू की जहां बात आती है तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता है तो जोगिंदर कुशवाहा खड़ा होता है। हम अपने जीत से स्वस्थ हैं, मेरी जनता पर भरोसा है, हम अपने औसत नहीं है, मेरी जनता पर भरोसा है कि जनता अगर व्यापक जन समर्थन देती है तो उस बार जो हम लोग जीते थे इस बार और रिकॉर्ड से हम लोग जीते हासिल करेंगे। थोड़ा पढ़िए ना।